परसेप्शन ऑफ माइंड, परसेप्शन माना क्या है? दृष्टिकोण। परसेप्शन माना क्या है? हाँ, अभी सभी बोलेंगे, मैं जो क्लास वालों को बोलता स्कूल वाले वो बोलना है मुझे। देखो अभी केडीएम में हाथ उठाओ, हाँ बोलो। आप केवल वो स्कूल वाला बोलेगा, उसको देखते वक्त आपको क्या नजर आ रहा है देखो। हाउ द ऑब्जेक्ट इज लुकिंग फॉर यू, व्हाट इज द सीन यू आर ऑब्जर्विंग देयर, एक ही आंसर बोलना है। वो कैसा देखने में आ रहा है बोलो। ओके, नेक्स्ट आंसर एसडीएम, हाँ बोलो, कैसे नजर आ रहा है उसको देखने में। ओके फाइन, सुनो एलन, एलन स्कूल आया है, हाँ बोलो, कैसे देखने में आ रहा है वो? लैम्प। ओके फाइन, नेक्स्ट, और कुछ, और कुछ परसेप्शन? ओके देन एनीवन, एनीवन देखो इधर, हाँ बोलो। वेरी गुड, देखो एक ने लैम्प बोला, एक ने टू फेसेस बोला। सुनो अभी देखने में वो लैम्प जैसा भी लग रहा है, और चेस का पॉट जैसा भी लग रहा है, फ्लावर वास जैसा भी लग रहा है, कप जैसा भी लग रहा है ना, है ना। लेकिन आप वैसे एक दृष्टि से देखेंगे तो वैसे ही लगेगा, अगर आप थोड़ा दिमाग लगा करके देखे तो व्हेन यू ऑब्जर्व ओनली ब्लैक पॉट यू विल सी टू फेसेस। यस, व्हाट इज एक्चुअल, इट इज टू फेसेस। But how you are looking it as a lamp, as a coin? किसी ने बोला सर ये तो जैसे ग्लास जैसे दिख रहा है सर, किसी ने बोला सर ये तो जैसे क्या बोलता है एक तरह की एक कोर्ट में ऑर्डर ऑर्डर बोलते है ना, वैसे दिखते है सर। तो it depends on what perception, perception माना क्या है? You have to look everything with depth of knowledge. Perception means you have to see it with inner vision. कौन सा vision? कौन सा vision? कौन सा vision? तो वो inner vision देखने का शक्ति है मन का शक्ति। Inner vision देखने का शक्ति कौन सा है? वो inner vision develop कैसा होता है? Meditations. कैसा होता है? समझ में आ गया? हाँ, next.